ठाणे दहशत मीडिया नेटवर्क में आप लोगों का स्वागत है। और दर्शकों, हमने देखा है अब तक के इमाम हुसैन अली मकाम, जैसे कि किसी को विलायत मिल गई, शास्त हुसैन बादशास्त हुसैन दी अस्त हुसैन दीने पना अस्त हुसैन सरदार नदा दस्त दर दस्त यजीद हक का के बिना ला इला अस्त हुसैन। तो दर्शकों, इसी माह मुहर्रम के महीने में हर जगह देखें बड़ी बज्म सजती है, कहीं लोग मकानों में, कहीं पर मस्जिदों में और कहीं चौराहों पर एक ऐसा प्रोग्राम करते हैं जहां पर इंसानियत की दावेदारी की बात होती है और इंसानियत की तख्लीक को लेकर अमन व अमान बरकरार रहे, जिस पर एक ऐसी मिसाल है जिन्हें इमाम हुसैन अली मकाम यौम शहादत को देखते हुए एक प्रोग्राम मनाया जाता है एक कम्युनिटी के अंदर इस्लाम को लेकर। तो यहाँ पर कुछ ऐसे जिम्मेदारान हैं जिनसे हम पूछने की कोशिश करेंगे कि माह मुहर्रम के अंदर जो आप ये छोटे मोटे से जो प्रोग्राम करते हैं, बज्म को सजाते हैं, तो सबसे पहले आपका नाम बताएं। मेरा नाम जाफर। जी जाफर, तो, जाफर इस्माइल हसूलकर। जी, तो कितने वक्त से ये प्रोग्राम? करीबन 30-35 साल से ये प्रोग्राम चल रहा है। माशाल्लाह, अच्छे अच्छे लोग इसमें आए गए, सब लोगों ने मजलिस पढ़ी, सब ने तकरीर किए, सब ने नात पढ़े, हम लोगों ने भी पढ़े, आज भी पढ़ते हैं और इंशाल्लाह जिंदगी बाकी रहेंगी जब तक पढ़ते रहेंगे। क्या और क्या कहूँ मैं, इसका इमाम हुसैन, इमाम हसैन ऐसे हमको हिदायत दे कि भाई आप लोग हमारा जश्न मनाते रहो, हम लोग मनाते रहेंगे और जो भी बीच में अगर ये करता है तो उसको हम लोग रोकेंगे, समझाएंगे, क्योंकि जमात एक ऐसी चीज़ है ना कि जहाँ किसी की हुकूमत नहीं चलती है वहाँ सबके मशवरे से काम होता है और मशवरा लेके मशवरे से अगर वो मशवरा सही है तो वो मशवरा हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, नए है तो उसको समझाते हैं कि भाई ये मशवरा बराबर नहीं है, ये ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए। कमेटी के ताल्लुक से कमेटी के ताल्लुक से जैसे कि हमने एक चीज़ देखा कि अभी जैसे कि आप लोग तो 30 सालों से जो इस तरीके से तालीम देते हैं और आगे अपने ग्रुप वाइज लोगों को पढ़ने का मौका देते, तो हमने देखा कि आलम भाई को भी आज आपने मौका दिया और वो लोगों को पढ़ने के इसमें जैसा कि आज आप लोगों की एक जिम्मेदारी है। बिल्कुल, उसके बाद आने वाली नस्लों तक कि ये नस्ल दर नस्ल चलते रहेंगे। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं तो कहूँगा कि जितने भी हमारे कमेटी मेम्बर है और जानदार है, पढ़ने वाले है, उन लोगों ने बच्चों को आगे लेना और उनको ये हिदायत देना और उनको ये सिखाना, क्योंकि आज वो है कल वो और हम नहीं रहेंगे, बच्चे रहेंगे तो बच्चे पढ़ेंगे तो आगे सिलसिला चालू रहेगा। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रफीक इस्माइल। जी, तो क्या कहेंगे इस बज्म को लेकर? ये मजमा तो हर साल हमारी कोकन वेलफेयर कमेटी है, वो हर साल हमारे यहाँ मजलिस पढ़ी जाती है, इसी तरह से इस साल भी उसका सिलसिला जारी रखे हैं। हमारे छोटे बड़े मेंबर जो है पढ़ने वाले आते हैं, कुछ लोग नहीं पढ़ना जानते हैं, वो भी आके महफिल में बैठते हैं और उसको मुकर्रर मतलब जारी रखा गया। अल्लाह ताला इमाम हसन हुसैन के इसमें हम लोगों को जी सिलसिला जारी रखने की तौफीक आता। जी, जैसे कि आपसे एक सवाल करूंगा कि जैसे हमारे दर्शक हैं, जैसे कि लोग अक्सरियत में देखते हैं कि इमाम हुसैन अली मकाम, क्योंकि आपका जो बैतुल मुकद्दस जो आपके रहने की है वो करबला में है, लेकिन हम हिंद में होने के बावजूद उनकी यादगार हमारे दिलों में, आप लोगों के दिलों में वो जिंदा और ताज़ा है, उसके लिए हमारे दर्शकों को दो शब्द। अल्लाह सुबहाना व ताला सब हमारे छोटे बड़े मोमिन मोमिनात के दिलों में हसन हुसैन की शहादत का और हसन हुसैन की यादगार का उनके दिलों और तस्वर में रखें, यही हमारी आप सब लोगों से दुआ है। तो दर्शकों, जैसे कि हमने कहा कि एक छोटी सी बज्म है लेकिन किस्सा बड़ा है, क्योंकि बात यहाँ का नहीं है, 1400 साल से ये सिलसिला चला आ रहा है, बात करबला की हो रही है। तो हमारे साथ में कोकन वेलफेयर एसोसिएशन के जो सदर हैं हमारे निसार नाइक साहब हैं, तो हम उनके पास भी आएंगे और जानना चाहेंगे कि ज़रा इस बज्म को आप लेके चल रहे हैं और बुज़ुर्ग होने के बावजूद बड़ी उम्र के लोग भी आपके साथ हैं, कम सीन उम्र में आपको सदारत दी गई है, बहुत बड़ी बात है देखने वाली, तो इस पर कुछ कहेंगे आप हमारे दर्शक? अस्सलाम वालेकुम, मैं निसार नाइक, कोकन वेलफेयर का सदर। सबसे पहले बात तो मैं आपका शुक्र अदा करता हूँ कि आप अपना कीमती वक्त लेकर ठाणे दहशत की टीम यहाँ हमारे पास आई और हमारे महफिल को आपने लाइव किया, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि हम लोग सब लोग मिलकर करते हैं और ये 30-35 साल से चलता है, इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब मिलकर चलते हैं और इसके अंदर हर एक लोग जो हिस्सा लेते हैं, जैसे नियाज में है,
पानी में, हर चीज़ में हिस्सा लेते हैं। और ये महफिल सजाने का मकसद ये है कि हम सब एकता का सबूत दे रहे हैं और हम लोग हर साल ये करते हैं, ऐसा नहीं कि एक साल छोड़ दो दो साल नहीं, हर साल करते हैं और हमारे सब लोग साथ देते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि कोई आए नहीं आए, सब लोग हम लोग मिल के करते हैं और अल्लाह का एहसान है कि हम ऐसे करते हर साल रहेंगे। और मैं कहूँगा कि आप लोग भी इस महफिल में आए और इस महफिल को चार चांद लगाए, और मेरे सभी मेंबर से गुजारिश है क्योंकि ये सब इनकी मेहनत है, मेरा कुछ नहीं है, मैं एक छोटा सा एक सिपाही हूँ इस कमेटी का, ये सब मेहनत ये लोग की है, मेरी कुछ नहीं है, बस मैं इनको साथ में लेके चलता हूँ, ये लोग भी मेरे को साथ पे साथ देते हैं और हम लोग बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह आगे भी अच्छे से अच्छा काम करते रहेंगे। शुक्रिया हमारी टीम के साथ बात करने के लिए शुक्रिया। तो दर्शकों, ये एक छोटी सी महफिल दिखाना है, चाहते तो बहुत जगह पर बड़े बड़े प्रोग्राम मौजू पर होते हैं जहाँ पर आप देखेंगे स्टेज प्रोग्राम भी होते, लेकिन ये छोटी सी प्रोग्राम को कवरेज करने का असल मकसद ये है कि कहीं ना कहीं हर घर के अंदर इसी तरीके से छोटी मोटी बज़्म चलती है जो इंसानियत की दावेदारी नहीं करती, इंसानियत का प्रतीक भी दिखाती है, जहाँ पर हिंदुस्तान में अमन अमान बरकरार रहे और लोगों में प्यार मोहब्बत भाईचारगी बरकरार रहे और हम लोग आपस में अमन के साथ रहे हमारे इस हिंदुस्तान के अंदर, इस देश के अंदर। तो इसी तरीके से हमारी तमाम अपडेट्स को देखने के लिए आप हमें लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। ये थी ठाणे देशद मीडिया नेटवर्क की खास रिपोर्ट, आवाज़ आपकी, खबर हमारी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सिपाहों को ये काटी तो हर बार सेना को छोड़ना हाल अबाका यही बनता है मेरे दुआ का या लगकर संक्रांति का प्रकार लगा है सिद्धते सिद्धते शैतान देखे ये किया है अजब है गुजरात को सर फुलंदी खुदा लोगों के शांति सर पकड़ती खुदा भागे से आदि नाम गादी गिरता की शादी बहुत ही सुमारे शाही ये के अपना चला है पूछ कर 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 बदलवा चला है दूर वहाँ से हरानी पर सारी शादी सैयद اے حسین ابن حیدر لے لو سلام ہمارا 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 سردار حوض کوثر لے لو
सलाम हमारा ए हुसैन इब्ने हैदर, ले लो सलाम हमारा ए हुसैन इब्ने हैदर, ले लो सलाम हमारा के तुम जान मुस्तफा हो, तुम हो अली के प्यारे, तुम जाने मुस्तफा, तुम हो अली के प्यारे, तुम जाने मुस्तफा हो, तुम हो अली के प्यारे, ए फातिमा के दिल बर, ए फातिमा के दिल बर, ले लो सलाम हमारा ए हुसैन इब्ने हैदर, ले लो सलाम हमारा ए हुसैन इब्ने हैदर, ले लो सलाम हमारा के अपने लहू से तुमने दीन नबी बचाया, अपने लहू से तुमने दीन नबी बचाया, अपने लहू से तुमने दीन नबी बचाया, उम्मत के प्यारे रहबर, उम्मत के प्यारे रहबर, ले लो सलाम हमारा ए हुसैन इब्ने हैदर, ले लो सलाम हमारा ए हुसैन इब्ने हैदर, ले लो सलाम हमारा के होकर शहीद तुमने ऊंचा मकाम पाया, होकर शहीद तुमने ऊंचा मकाम पाया, होकर शहीद तुमने ऊंचा मकाम पाया, ऐ नौजवान अकबर, ले लो सलाम हमारा ए हुसैन इब्ने हैदर, ले लो सलाम हमारा ए हुसैन इब्ने हैदर, ले लो सलाम हमारा के मासूम की शहादत देखी तो सब ये बोले, मासूम की शहादत देखी तो सब ये बोले, मासूम की शहादत देखी तो सब ये बोले, ऐ शीर ख्वार असगर, ऐ शीर ख्वार असगर, ले लो सलाम हमारा ए हुसैन इब्ने हैदर, ले लो सलाम हमारा ए हुसैन इब्ने हैदर, ले लो सलाम हमारा के मैदान करबला में नौशा बने है कासिम, मैदान करबला में नौशा बने है कासिम, मैदान करबला में नौशा बने है कासिम, नूरे शहे पयंबर, नूरे शहे पयंबर, ले लो सलाम हमारा ए हुसैन इब्ने हैदर, ले लो सलाम हमारा ए हुसैन इब्ने हैदर, ले लो सलाम हमारा के
सैयद उमर पिया का दिल आप पर फिदा है। सैयद उमर पिया का दिल आप पर फिदा है। सैयद उमर पिया का दिल आप पर फिदा है। कहता है कल्बे मुझ तर, कहता है कल्बे मुझ तर, ले लो सलाम हमारा। ऐ हुसैन इब्न हैदर, ले लो सलाम हमारा। ऐ हुसैन इब्न हैदर, ले लो सलाम हमारा। के नाशाद की शफात कर देना रोज़े महशर। नाशाद की शफ़ात कर देना रोज़े महशर। नाशाद की शफ़ात कर देना रोज़े महशर। बेहद दरूद तुम पर, ले लो सलाम हमारा। ऐ हुसैन इब्ने हैदर, ले लो सलाम हमारा। करबला वालों का सदका, नाज के पालों का सदका, दुख भरे नालों का सदका, भीख दे लालों का सदका। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। जान कर काफी सहारा, ले लिया है दर तुम्हारा, खल्क के वारिस खुदारा, लो सलाम का हमारा। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह। السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا حبیب اللہ السلام علیکم یا نور من نور اللہ الہ اشرف النبی الکریم محمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الفاتحہ قال اللہ بشان حبیبه ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاة امت سلام علیک یا رسول اللہ علی ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون الہی بفضل سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین یا حضرت امام حسین امام حسین صاحب میں عرض کرتا ہوں تمہارے پاس تم کرو اللہ نبی کے پاس یا آیت کی مجلس جو ہے ایک نثار حاصل کر کے جانب سے ایک معین شیخ احمد رکھانگی کی جانب سے اور اصغر مقدم صاحب کی جانب سے اے اس کو مان کر کے لینا کچھ بھول چکو تو خدا نے خدا کے رسول کے سے معاف کرنا ہمارے نیوز چینلز کو سبسکرائب کریں لائک کریں کمنٹس کریں شیئر کریں اور گھنٹی کا بٹن پریس کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو اور اپڈیٹس کی نوٹیفیکیشن آپ سبھی کو ملتی رہے جے ہند جے مہاراشٹر